Welcome to our channel in Gyan Shree Education Tutorial. Myself Himani Dixit. अब मैं आपको एक नई एक्शन बताने जा रही हूँ जिसका नाम है Von-Richter Rearrangement. अब Von-Richter Rearrangement है एक एग्जाम्पल है किसका सीनियर सब्सटीट्यूशन का. अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो NO2 ग्रुप है ना वो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है. और डिस्प्लेस होने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो COOH ग्रुप है, जो इंट्रोडक्शन है हमारा न्यूक्लियोफाइल का, वो ऑर्थो पोजिशन पे है. ऑर्थो पोजिशन किसके विद रिस्पेक्ट में, वो किसके विद रिस्पेक्ट में, नाइट्रो ग्रुप के. और नाइट्रो ग्रुप क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है. तो सीनियर सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल का इंट्रोडक्शन हो रहा है एट ऑर्थो पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप. हमने देखा कि जो साइनाइड है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो किस पे अटैक करेगा, NO2 ग्रुप की, किस पे, ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करेगा. और वो कुछ इस तरह से रीअरेंज होएगा कि यहाँ से NO2 ग्रुप डिस्प्लेस हो जाएगा और जो साइनाइड ग्रुप है दैट इज द नाइट्राइल ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. अब हम स्टडी करते हैं इसका मैकेनिज्म कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है. Just expand the nitro group and double bond O negative. यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग फोर बॉन्ड्स, दैट इज 1, 2, 3 and 4. अब हमें पता है साइनाइड ग्रुप क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है. जब ये साइनाइड ग्रुप इसकी ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. क्यों, क्या है, नाइट्रो ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, तो ये डबल बॉन्ड की माइग्रेशन है वो कहाँ हो जाएगी, नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोजन की तरफ हो जाएगी और ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, हियर वी हैव डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कितना रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा. यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, वी हैव एक्सपेंडेड द नाइट्राइल ग्रुप. और यहाँ पे क्या हमारे पास एक और हाइड्रोजन है. अब हमें पता है कि ये सिस्टम क्या था, हमारे पास एरोमेटिक था और इस स्टेप में हमारे पास एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है. और हमें हम मोस्टली क्या चाहते हैं, जितना ज्यादा हमारा सिस्टम एरोमेटिक होगा उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है. तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, एक तो हमारे पास रिंग की एरोमेटिसिटी दोबारा से रीगेन हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगा. तो क्या बनेगा हमारे पास, एन ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है. अब ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर जब अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अटैक नाइट्रोजन पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है जब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का कार्बन पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट वी कैन से इट इज अ डबल बॉन्ड, इट इज अ पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. और नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, द नेगेटिव चार्ज इज मच मोर स्टेबल ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो तभी हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे आ रहा है और वो उसी पे ज्यादा स्टेबल है. तो हम इसको लिखेंगे, एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास ओ नेगेटिव, यहाँ पे ओ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एन नेगेटिव. और इस स्टेप में जो प्रोटोन यहाँ पे है ना वो ये नेगेटिव चार्ज कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस एच पॉजिटिव इधर फ्रॉम द सॉल्वेंट और ये वाला जो प्रोटॉन यहाँ से रिमूव आउट है वो इसको ये ले लेगा. इसको लेने के बाद यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. एन ओ ओ नेगेटिव, यहाँ पे क्या है सी डबल बॉन्ड एन एच. अब दोबारा से देखते हैं यहाँ पे क्या है, जब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज दोबारा नाइट्रोजन पे आएगा ना तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा. जब ये बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट होएगा तो
तो ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर जाएगा। अब दोबारा से देखिए बहुत अच्छे से कि इसके बॉन्ड मूवमेंट हो कैसे रहे। जब ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और ये शिफ्ट होकर कार्बन की तरफ चला जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन का एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा, फिर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा फ्रॉम द सॉल्वेंट। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल कैप्चर एच पॉजिटिव फ्रॉम द सॉल्वेंट और फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, एन डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एच। That is, here we have N double bond O, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, C double bond O, NH2। और हमें पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अब हम देखते हैं कि ये लोन पेयर कैसे अटैक करते हैं। हमारे पास है N double bond O, यहाँ पे C double bond O, N H H। जब ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे तो ये पाई बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास यहाँ पे है N O नेगेटिव, यहाँ पे N H H पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, यहाँ पे H प्रोटोन यहां से निकल जाएगा और निकलने के बाद क्या होएगा, ये नेगेटिव चार्ज प्रोटोन को कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे N O H, यहाँ पे N H C डबल बॉन्ड O। अब हमें पता है कि वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब वाटर की एलिमिनेशन कैसे होगी, जब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होएगा और यहां से OH निकल जाएगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, यहां से वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट। सो हियर वी लेफ्ट विद N डबल बॉन्ड M, C डबल बॉन्ड O। अब हम देखते हैं जब वाटर की रिएक्शन, अब जो यहां से वाटर एलिमिनेट हुआ है ना वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा और वो इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। अब हम देखते हैं कि इस कार्बोनिल ग्रुप पे कैसे अटैक होगा। यहां पे है N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, OH नेगेटिव और H2 अंडर स्लाइटली बेसिक कंडीशन हम कह सकते हैं H2 बेस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। बट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन वी टेक द मीडियम स्लाइटली बेसिक। तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे C O नेगेटिव OH। अब देखो जब ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा तो ये C और N वाला बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां से क्या होएगा, हमारे पास N2 यहां से रिमूव आउट हो जाएगी और N2 वैसे भी क्या है, गैस है। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल जो तो क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो वी लेफ्ट विद C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और हम इसकी एच पॉजिटिव के रिएक्शन करा दे और वी कैन सी अपॉन वर्कअप। तो वर्कअप के बाद हमारे पास क्या स्टेप आएगा, फाइनली फिर वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने देखा कि कैसे कैसे ये रिएक्शन रीअरेंजमेंट होके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। और हमने पहले ही बोला था कि अमोनिया इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट नहीं है, बट N2 हमारे यहाँ पे इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट है।
Thank you for watching, and if you like my videos, please give it a thumbs up and write in the comment section if you have any queries. Thank you so much.